नाजरीन नादाब, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कोरोना वायरस को लेकर सारे मुल्क में जिस तरह का परेशानी और अफतर अफरा तफरी है उसको तमाम लोग अपने अपने तौर पर परेशान हैं। और जहां तिजारत की बात करें तो जहां पे हर मामला ठप नजर आ रहा है, हर लोग परेशान हैं, हर किसी को एक फिक्र से लाया हो चुकी है कि कोरोना वायरस को क्या रहे तो क्या करें। जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि कल रात 11 बजे एक शख्स जो मैसूर का विवेकानंद नगर का रहने वाला है उसने दुबई से पहले फ्लाइट ली जो वाया गोवा होते हुए बैंगलोर पहुंची। और कल जैसे ही वो रात में 11 बजे यहाँ पे पहुंचा तो उसने बजरिए टैक्सी मैसूर आने के लिए रवाना हुआ। और जैसे ही वो रवाना हुआ मैसूर तो मदुर में वो चाय पीने के लिए भी रुका था। उसके बाद जैसे ही मैसूर पहुंचा तो उसे अचानक अपने अंदर एक तब्दीली महसूस हुई तो उसने अखलाकी तौर पर यह समझा कि मुझे कुछ ना कुछ हुआ है। तो वो सीधे घर जाने के बजाय केआर हॉस्पिटल पहुंचा जहाँ पे आपको पता है कि केआर हॉस्पिटल स्टोन बिल्डिंग में कोरोना वायरस को लेकर एक स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। उसने बेदारी का सबूत देते हुए वहां पे जैसे ही वहां पे दाखिल हुआ तो आज 21 तारीख को उसको पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल चुका है। यानी शहर मैसूर में पहला केस सामने आ चुका है जो कोरोना वायरस में पॉजिटिव निकला है। तो इसमें खौफ और हरास के कोई मामला नहीं है क्योंकि वो मैसूर का बेसिकली मैसूर का नहीं था, हालांकि उसका रिश्ता मैसूर से है लेकिन वो आया हुआ था दुबई से। तो नाजरीन इसको लेकर किसी तरह का भी अफवाह के ऊपर कान न धरें बल्कि अपने मामलों पर तवज्जो दें। और खासकर जिस तरीके से पाकी सफाई को लेकर जिस किस्म से जो भी तदाबीर इस्तेमाल की जा रही है उस पर ज्यादा गौर व फिक्र करें। और जैसा कि आप जानते हैं कल इतवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया जा चुका है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी की जानिब से है। तो उन्होंने सारे मुल्क के अवाम को एक खबरदार किया है कि उस सुबह से लेकर रात तक जो औकात है वो खासतौर से बुजुर्ग हों और बच्चे हों अपने अपने तौर पर घरों में रहें, एहतियाती तदाबीर को खास तौर का ध्यान रखें। हम हर बाइज शहरी और बाशऊर शहरी को ये जरूरी है कि वक्त के हालात को समझें, लापरवाही ना बरतें। जैसा कि आप तमाम जानते हैं मस्जिद में तक अलर्ट कर दिया गया है, मंदिरों में तमाम अलर्ट कर दिया गया है, जहाँ पे पब्लिक बात हो पार्क हो या हर जगह जहाँ भी आप देखें वहाँ पे हर तरीके से अलर्ट जारी है। यहाँ के जो मैसूर जिले के डिस्ट्रिक्ट जो डीसी हैं अभिराम सरकार उन्होंने हर तरह से एहतियाती तदाबीर में लगे हुए हैं। गाहे गाहे चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हो या कॉर्पोरेशन हेल्थ मामला हो हर एक को अपने साथ लेकर बार बार मीटिंग्स कर रहे हैं। और पुलिस इंतजाम में भी पूरी मोहतरिक तौर पर अपना काम कर रहा है। जैसा कि मैं बता दूं उदयगिरी हर थाने में जिस किस्म से बेदारी अवाम को लेकर बेदारी की जा रही है उस तरह हमने देखा कि आज उदयगिरी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर पोन्नाचा ने अपने माता पिता के साथ लेकर उदयगिरी के कम अज कम तमाम इलाकों में जहाँ तक उदयगिरी की लिमिट्स हैं वहाँ तक पहुँचकर उन्होंने अवाम से कल जो भी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना है उसको लेकर उन्होंने बात की। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हम कहाँ कहाँ गए हुए थे। और हमने ये भी देखा कि फोरम माल से लेकर राजीव नगर तक जो भारत नगर है रास्ता वहाँ तक भी जो शांति नगर का रास्ता हो या हर जगह ऐसा लग रहा था। आप याद करें नोटबंदी के वक्त ऐसे लोग परेशान हो चुके थे, इसी तरह कल जनता कर्फ्यू लेकर भी लोग पूरी तरह संजीदा हैं। चाहे पेट्रोल पंप हो या कोई भी तजारती मुकाम हो हर तरफ से अफरा तफरी मच चुकी है और लोग चाहे वो पेट्रोल लेने पे हो या खरीदारी पे हो। मैं आपको ये भी बता दूं कि घरेलू खातिन जिन्हें खानदार की बहुत फिक्र होती है वो रास्तों पर निकलकर हर नुक्कड़ पे नजर आ रही थी जिसका नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पे। और मैं ये भी बता दूं कि इस जनता कर्फ्यू को लेकर घबराने वाली कोई बात नहीं बल्कि एहतियात की जरूरत है। हम यही उम्मीद करेंगे जैसा कि सारा मुल्क बेदारी का इजहार कर रहा है हम भी इस एहतियात में बराबर शामिल रहेंगे और खुदा न खास्ता आने वाले हालात से हम डट कर मुकाबला करेंगे। हालात कुछ भी हो हमारा एहतियात हमारे साथ। मैं सफदर कैसर आपके रूबरू हासिम के साथ न्यूज़ मैसूर 24।